नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। दो अलग अलग जगहों पर शनिवार सुबह अचानक आग लग गई श्रावस्ती में। सूचना मिलते ही दोनों मामलों में स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की पहली घटना श्रावस्ती जिले के थाना गिलौला के अंतर्गत गिलौला बाजार के सराफा गली की है। यहाँ एक ज्वेलरी शॉप में शनिवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे ज्वेलरी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान के अंदर सो रहे युवक ने किसी तरह बाहर आकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने घटना से 300 कदम की दूरी पर स्थित थाने को सूचना दी, फिर भी पुलिस नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद स्वयं ही आग पर काबू पाया। सूचना पाकर घंटों बाद पहुंची फायर सर्विस की वाहन कर्मियों पर सराफा व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए वापस कर दिया। आग की दूसरी घटना कौनल क्षेत्र के सुनराई गांव के, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 100 थाने की पुलिस एवं दमकल टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईबी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज।